स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञानम में। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे हमने एक वीडियो स्टार्ट किया है जहाँ पे हम लोग एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। और किसके लिए रहेगा ये? फ्रेंड्स, नीट के लिए रहेगा। धीमे धीमे हम लोग इसमें जेई मेन्स को भी ऐड करेंगे। ये बेसिकली फिजिक्स का ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि हम हर एक प्रॉब्लम को एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये ज़्यादातर बेनिफिशियल उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से। पार्टिकल मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ अ डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखिए, समझ लीजिए क्या दे रखा है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, कि पार्टिकल यहाँ से चल रहा है और उसने आधी दूरी, ठीक है, समझ लीजिए आधी दूरी है जो कि कितने कैसे कवर की है 3 मीटर पर सेकेंड से। 3 मीटर पर सेकेंड से आधी दूरी कवर की। द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन टू इक्वल टाइम टू इक्वल टाइम इंटरवल विथ ए स्पीड ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो दूसरा आधी दूरी है, ठीक है, इसको टू इक्वल टाइम इंटरवल में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। पहला टाइम इंटरवल मान लेते हैं 4.5 मीटर पर सेकेंड का, और दूसरा P2 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू इक्वल टाइम इंटरवल में किया गया। जबकि T1 बराबर टी मान लेते हैं, टी वन दोनों टी है, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हमें बस यही निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकालना है। तो इसमें हम क्या मान लेंगे? हम मान लेते हैं ना, ये जो दूरी थी वो हम टोटल दूरी मान लेते हैं डी, ठीक है, या 2D मान लीजिए। 2D मान लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी रहेगा, ठीक। ओके, टोटल, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई आपकी डी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी क्या हो जाएगी? डी, ठीक है। तो टाइम निकालते हैं T1। T1 इज इक्वल टू टाइम कितना लगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इज 3। T1 इज इक्वल टू D/3, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो ये वाला टाइम है और ये वाला टाइम है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब ये दे रखा है ना कि भाई दोनों का टाइम बराबर है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है, ठीक। अब हमें तो ये नहीं मालूम कि भाई इससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसको D1 मान लेते हैं और समझ लेते हैं इस स्पीड से इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसको D2 मान लो, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू, इसको D2 मान लोगे ना, ज़्यादा आसान रहेगा समझने में ज़्यादा आसान है। इसको D2 और इसको D3 मान लो, ठीक है। T2 इज इक्वल टू T2 अपॉन 4.5, और T3 इज इक्वल टू T3 अपॉन 7.5, ठीक है। ये तो हमारा आ गया। अब एक क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है ना, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। जो भी अदर हाफ था उसको दोनों को इक्वल टाइम इंटरवल है, यानी T2 बराबर T3 है। अगर हम T2 बराबर T3 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? D2 अपॉन 4.5 इज इक्वल टू D3 अपॉन 7.5, ठीक है। ये मेरा आ गया, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द होल मोशन इज। और यहाँ से हमें एक और चीज़ पता है कि जो D2 प्लस D3 है ना, वो किसके बराबर है? हमें क्या पता है? एक चीज़ और पता है कि D2 प्लस D3 इज इक्वल टू D के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू D के बराबर है, ठीक। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए क्या है,
मिनट, ओके, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है आपकी 2d और टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपकी 2d है, 2d अपॉन t1 करेंगे, d बाय 3 प्लस t2 करेंगे, ठीक है। t2 इज इक्वल टू 2 t3 है, ठीक है। आप t2 करेंगे तो d2 अपॉन 4.5 लिखेंगे प्लस d3 अपॉन 4.5 लिखेंगे, और यहां से हमें ये पता है कि d2 प्लस d3 बराबर d है, ठीक है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, और इसको हम किसी एक वेरिएबल में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा मेरा, ये आपका 3, ये आपका 5, 5d2 इज इक्वल टू t3, 3d3, ठीक है। 5d2 इज इक्वल टू, तो d2 को हम लिखते हैं, ठीक है, d2 प्लस d3 को हम लिख देते हैं 5/3, 5/3 इज इक्वल टू 1, 5/3 d2 इज इक्वल टू d, 8 d2 बाई 3 इज इक्वल टू d, ये आ जाएगा, ठीक है। और d2 इज इक्वल टू 3d/8, d2 इज इक्वल टू 3d/8, यहाँ से आपको d2 इन टर्म्स ऑफ d मिल गया, ठीक है। इसको भी रब करो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, d2 इन टर्म्स ऑफ d आपको क्या मिल जा रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, d2 इज इक्वल टू 3d/8, इसको ऐसे पकड़ लो, हाँ ये क्या, हाँ d2 इज इक्वल टू 3d/8, इसको ऐसे आपने पकड़ लिया, ठीक। अब फिर से एक बार फॉर्मूले पे आओ, ठीक है। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसी चीज़ को, सेम चीज़ को आप ये भी तो लिख सकते हो, 2d अपॉन d बाई 3 प्लस 2d2 अपॉन 4.5, ठीक है, क्योंकि इस टाइम का ये टाइम और ये टाइम जब सेम है तो इसको हम डबल कर दें तो हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है, वही तो मैंने किया, समझ रहे हैं। इसको अब आप क्या करो, थोड़ा सा मिटाओ, अब फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 2d अपॉन d बाय 3 प्लस, ये d बाय 3 आ गया, प्लस 2, d2 क्या है 3d अपॉन 4.5 इंटू 8, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, इसमें एक ही वेरिएबल है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसको आप, अब अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका बनेगा 2d अपॉन d बाय 3 प्लस 4.5 इंटू 8, 4.5 इंटू 2 9, 36, यहाँ पे 36 लिख दीजिए, यहाँ पे आप 6d, यहाँ पे आप 6d लिख दीजिए, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 36 लाना है, तो 12 ये 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 ऊपर जाएगा। मैं थोड़ा तेज़ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, 12 6 18 d, ठीक, d कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 36 2 72 अपॉन 18, ये आपका 4 m/s आ जाएगा, ठीक है। तो समझिए कैसे प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल का है, ठीक है, लेकिन इसने सारा जो भी हमारा क्वेश्चन के फॉर्मेट में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमने इस क्वेश्चन में सीख लिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा आपके आपके स्क्रीन पे, क्या है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, कह रहा है कि कोई पार्टिकल है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रहा है, ये 10 m/s² है और ये टाइम है, इधर आपका टाइम डिनोट कर रहा है, ये इधर आपका एक्सीलरेशन डिनोट कर रहा है, ठीक है।
ये एक्सेलरेशन है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये आपका 11 सेकेंड है। बोला गया है कि भाई मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, ठीक। इस ग्राफ को समझना और पढ़ना और जानना, इससे क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि मान लेते हैं पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, इसको पहले, तो पहले देखिए वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा होगा, धीमे धीमे पार्टिकल अगले सेकेंड वो 9 से चल रहा होगा, फिर 8 से चल रहा होगा, फिर आपका 7 से चल रहा होगा, फिर 6 से चल रहा होगा, धीमे धीमे देखिए एक्सीलरेशन कम होता जा रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ठीक है। जैसे कि पहले सेकेंड वो 10 से चला, दूसरे सेकेंड वो 9 से चला, तीसरे सेकेंड वो 6 से चला, ये मीटर पर, ये 6 मीटर पर सेकेंड में नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सीलरेशन है, यानी कि डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है। बट इट डजेंट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि स्पीड भी डिक्रीज हो रही, ठीक है, स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड बढ़ रही होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन अगर पॉजिटिव है तो आपका स्पीड बढ़ेगा, भले ही ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, लेकिन एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होता है, देखिए इस केस में अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम स्पीड होगा एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ये जो भी एरिया दिख रहा है वही उसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो स्पीड क्या होगा आपका मैक्सिमम, क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्पीड आपकी इस पॉइंट पे आनी है, ठीक है, ये आपका जो पॉइंट होगा वहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा। अब समझ लेते हैं कि एक लेट अस से कि हम कहते हैं, मैं रीड कर देता हूँ, हाँ, अब लेट अस से कि हम कहते हैं कि भाई ये थोड़ा नीचे जा रहा है, यहाँ पे ये कुछ ग्राफ बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा, उसके बाद जो डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, जो टाइम के साथ एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है, वो उसकी स्पीड को घटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगी, फिर स्पीड क्या होगी, घटने स्टार्ट हो जाएगी, और कहीं पर जा करके वो जब इस दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू जब दिस वेलोसिटी सॉरी दिस एरिया बराबर दिस एरिया हो जाएगा, तो स्पीड कहीं जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको समझना पहले आप समझिए, ठीक। तो इसका जो मैक्सिमम स्पीड आपका होगा, तो एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व क्या है, एंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस आपका हो जाएगा 11 और हाइट है आपकी 10, ठीक है। तो ये आपका 55 मीटर पर सेकेंड, ये आपका मैक्सिमम, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। और ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजीशन अंडर द पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। यू बराबर जीरो से स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये कांस्टेंट है, ठीक है। यू बराबर जीरो से स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, फिर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ एक्स इन टी सेकेंड, ठीक है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन नेक्स्ट टी सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स इन टी सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन नेक्स्ट टी सेकेंड। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पहले मैं कॉन्सेप्ट से कर चल ले रहा हूँ, फिर मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आते हैं तो आपको टी कुछ भी मान लीजिए, 2 सेकेंड मान लीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होगा। लेट अस से कि हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम बराबर 2 सेकेंड सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग 3rd और 4th सेकेंड में देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आप जानते ही थे, ठीक है, ये लगता है। एस इज इक्वल टू इनिशियल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यानी कि हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये टी स्क्वायर आपने लिख दिया, तो ए टी स्क्वायर बाई टू हो गया, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड देख लेते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, यू बराबर जीरो प्लस हाफ इंटू ए
सॉरी 4 सेकेंड नहीं, इन 2t सेकेंड है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 2t मानो, 2t मानो, इसको t मानो, ठीक है, ओके, हाफ ए इंटू 2t स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 4t स्क्वायर, ठीक, यानी कि 2at स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2t सेकेंड, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड था, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2t सेकेंड है, ठीक है, ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछ रहा है ना कि व्हाट इज डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट टी सेकेंड, हमें नेक्स्ट टी सेकेंड पूछता है, देखिए ये 2t था, आपको मैं बताता हूँ कि जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, पहले टी सेकेंड में इतना ट्रेवल किया, ठीक है, ये तो t सेकंड का मेरा आ गया, अब जो ये 2t दे रहा है, 2t हमारा क्या दे रहा है, 2t हमें दे रहा है कि यहाँ से 2t सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया, यहाँ से 2t सेकंड में इसने कितना ट्रेवल किया, ये मेरा 2t दे रहा है, तो इसमें से पहले हम इतना घटाएंगे तब हमें पता लगेगा कि इतने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल, ठीक है, तो एस 2t में से हम क्या कर देते हैं, माइनस एस टी घटाते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टी सेकंड में कितना ट्रेवल किया ये हमें पता लगेगा, ठीक, तो 2at स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर बाई 2, ये हम करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1.58t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे इस चीज़ को, तो ये 3 टाइम्स है, ठीक है, 80 स्क्वायर बाई 2 से अगर आप ये कंपेयर करते हैं तो आप 3 टाइम्स है, तो आप ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट टी सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर रहा है, 3x टाइम्स ज़्यादा ट्रैवल, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम को भी अप्रोच करेंगे और इस प्रॉब्लम में जो भी था वो फाइंड आउट, ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम लोग एक एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और इस लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, और अगर आपको समझ में आएगा तो आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, इन मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकंड ऑफ द जर्नी, 4th and 5th सेकंड ऑफ द जर्नी पूछे, ठीक है, बॉडी को हम ऊपर से फ्री फॉल करा रहे हैं, यहाँ पे u बराबर 0 है, ठीक, हमसे पूछ रहा है ना फोर्थ सेकंड में इतना ट्रेवल किया और 5th सेकंड में मान लेते हैं इतना ट्रेवल किया, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, यानी कि रेशियो क्या होगा, ठीक है, तो 4th सेकंड यानी कि 1st सेकंड क्या होता है 0 to 1, सेकंड 1 to 2, थर्ड 2 से 3, फोर्थ क्या होता है 3 से 4, ठीक है, फोर्थ क्या होता है 3 से 4, ये फोर्थ होता है, और 5th क्या होता है 4 से 5, ठीक है, तो 1 2 3 4, पहले 4 का निकाल लेते हैं, पहले 3 का निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड इज इक्वल टू हाफ 10 इंटू जी को मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है, जी को मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ 10 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, ये 90, ये 45 आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पूरा 0 to 4 सेकेंड का है, ठीक है, बस 4 सेकेंड का नहीं मैं बता रहा हूँ, 0 से 4 सेकेंड का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, तो 4 सेकेंड का नहीं है ये, 0 to 4 सेकेंड का है, आप जी टी स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80, ठीक है, ये देखिए 0 to 3 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 3 45, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 4 इट इज 80, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 5 है, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, ये 125 आएगा, ठीक, तो आपको क्या दिखा, आपको ये दिखा कि 4th सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, 4th सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया
20 और 5 35, यहाँ पे आपने 35 डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 45, 45 आपने यहाँ डिस्टेंस ठीक है। तो रेशियो में आप निकालेंगे तो रेशियो में दिस अपॉन दिस जाएगा ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ इज इक्वल टू 35, 35 अपॉन 45 आ जाएगा। 35 अपॉन 45 आपका क्या दे रहा है 7/9, तो 7/9 हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।